वेलकम फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको ट्रेंड क्लियर रहेगा तभी हम अपने ट्रेड के निर्णय सही ले सकते हैं। अब ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम पे अलग हो सकता है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अलग हो सकता है। तो अगर हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आता है तो हम इसके बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग की डिसीजन भी ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग का डिसीजन भी ले सकते हैं। तो किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट ट्रेंड्स को यूज करना है, किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमको ट्रेंड को यूज करना है, इसको समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। इस सेक्शन में अगर आप पहुंचे तो यहां पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे क्या क्या कंडीशन होने चाहिए कि अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है मतलब वो पॉजिटिव क्षेत्र में है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 200 ईएमए के लाइन के ऊपर में ही प्राइस चल रहा है अभी। दूसरा है सीपीआर के ऊपर है मतलब पॉजिटिव क्षेत्र में है, तो सीपीआर के ऊपर है मतलब पॉजिटिव क्षेत्र में है, ऊपर की ओर ही ट्रेंड है। और तीसरा है कि 20 ईएमए का लाइन, 20 ईएमए के लाइन के ऊपर जैसे निकलता है तो प्राइस अप ट्रेंड की ओर मूव कर जाता है। तो ये तो वीकली कैंडल हो गया, तो वीकली कैंडल के हिसाब से अगर अभी देखें तो ये अप ट्रेंड में है। तो आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको सीपीआर ट्रिक पार्ट 1 और पार्ट 2 वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सीपीआर ट्रिक के हिसाब से हमारा 3 जोन होता है। तो 3 जोन में कौन कौन सा जोन होता है? पहला होता है सीपीआर का 3 लाइन, ये हमारे लिए न्यूट्रल जोन होता है। और इसके बाद होता है रेजिस्टेंस जोन, तो जो R1 प्रीवियस डे हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन होता है। और तीसरा होता है सपोर्ट जोन, तो जो S1 प्रीवियस डे लो है वो हमारे लिए सपोर्ट जोन होता है। तो सीपीआर ट्रिक में ये क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए अगर इसको अच्छे से समझना है तो आपको सीपीआर ट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 को बार बार देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आगे आप बढ़ेंगे, तभी आपको क्लैरिटी लेवल क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे 3 जोन है, तो जैसे ही इस जोन से निकलता है प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब जिसमें अपर वीक ना हो, अपर वीक नहीं है मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो जैसे ही इस जोन से निकला है नेक्स्ट हमारा टारगेट नेक्स्ट जोन रहेगा। तो आप देख सकते हो क्लियरली वो नेक्स्ट जोन पे पहुंच गया है। इसके बाद जब इस जोन से फिर ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा R2 लेवल रहेगा, R2 में हमको प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये तो हो गया सिंपली कि किस तरीके से हम ट्रेंड को देख सकते हैं। तो ट्रेंड को देखने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि पहला, अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है। दूसरा है सीपीआर के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है। तीसरा है कि 20 ईएमए के ऊपर में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो वो भी पॉजिटिव सिग्नल देता है। तो तीनों यहां पे अगर हम कंडीशन देखेंगे तो जो प्राइस है वो 200 ईएमए के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, सीपीआर के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट लेवल पे है। R1 प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बना है, क्लोजिंग दिया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट R2 लेवल रहेगा। तो जैसे अगर अभी का देखें हम तो निफ्टी अभी 21,093 का लेवल जो है वो हमारा टारगेट लेवल रहने वाला है। तो 21,100 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अभी वन वे मोमेंटम है और ये मोमेंटम जो है 21,100 के लेवल तक जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर की ओर निकला है, लेकिन यहाँ पे फेलियर हो गया है। तो फेलियर क्यों हुआ है? तो आप देख सकते हो ये सेप्टेम्बर का महीना है, तो सेप्टेम्बर के महीने में आप देखोगे कि किस वजह से यहाँ पे ये गिरावट दिखा है हमको। तो ये कहीं ना कहीं जब हम इसके अलावा डेली कैंडल स्टिक लगाएंगे या मंथली सीपीआर लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पे डेली कैंडल स्टिक को हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मंथली सीपीआर आ जाता है। तो मंथली सीपीआर में हमको सितंबर मंथ का देखना है, तो सितंबर मंथ मेरे ख्याल से ये सितंबर मंथ, तो सितंबर मंथ में देखिए कि ये प्राइस जो है R3 लेवल पे पहुंच गया है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, सीपीआर के ऊपर है और R1 प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर निकल गया है मतलब ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट होने के बाद R3 तक पहुंच गया है। R3 तक पहुंच गया मतलब कहीं ना कहीं ये ओवरबॉट कंडीशन है, यहाँ से बिकवाली आ सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से बिकवाली आया है। तो जैसे अगर वीकली कैंडल स्टिक पे स्ट्रॉन्ग है लेकिन अगर आपको डेली कैंडल स्टिक पे दिख रहा है कि यहाँ से बिकवाली आ सकता है, तो यहाँ से आपको उसको पकड़ना है कि कहाँ से फेलियर हो सकता है। तो आपको टाइम फ्रेम बदलते आना चाहिए। तो पहले वीकली कैंडल में देखा, वीकली कैंडल के हिसाब से स्ट्रॉन्ग था, उसको जाना था R2 लेवल, लेकिन यहाँ के जाते जाते वन वे जब जाता है
तो कहीं ना कहीं बिकवाली का संभावना होता है, तो उसको हम डेली कैंडल स्टिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही सेप्टेम्बर मंथ में डेली कैंडल स्टिक हमने लगाया है, तो डेली कैंडल स्टिक लगाते ही ये प्राइस R3 लेवल पे पहुंच गया है। तो R3 लेवल पे जैसे ही एक रिजेक्शन कैंडल बना है, वो प्राइस 20 EMA तक तो कन्फर्म आना है। तो यहाँ पे जो भी पुट का पोजिशन बनाता या शॉर्ट पोजिशन बनाता, वो यहाँ तक का टारगेट तो इजिली रख सकता था। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आता, तो जो वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल के हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाता है। फिर ये इस रेजिस्टेंस जोन जो था पहले हमारे लिए, वो रेजिस्टेंस जोन अब सपोर्ट जोन का काम करेगा, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर निकल चुका है। तो जैसे ही इस जोन के अंदर दोबारा घुसेगा, फिर से दोबारा जब निकलेगा ऊपर, फिर से हम पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट R2 लेवल रहने वाला है। तो ट्रेंड के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि अगर प्राइस CPR के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव क्षेत्र में है, प्राइस 200 EMA के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, प्राइस 20 EMA के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, और जब प्राइस R1 प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर निकल जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी का कंडीशन है, तो प्राइस क्या है, R1 प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के 1x1 ऊपर की ओर जा रहा है, और ये R2 लेवल तक जाएगा, तो R2 लेवल तक हमारा टारगेट रहेगा। तो ये तो हो गया वीकली कैंडल के हिसाब से। लेकिन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते हैं या वीकली बेसिस पे कोई पोजीशन बनाते हैं, तो ये एक दिशा दे देता है कि हायर टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव है, लेकिन हम इसके बेसिस पे पूरा निर्णय नहीं ले सकते। इसके लिए हमको आना है डेली कैंडल स्टिक में। तो डेली कैंडल स्टिक में आप देख सकते हो कि डेली कैंडल स्टिक में प्राइस जो है 200 EMA के ऊपर है, प्राइस CPR के ऊपर है, प्राइस 20 EMA के ऊपर है, तो तीन कंडीशन तो हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर दिया है। तो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए था R1 प्रीवियस मंथ हाई, तो ये हमारा जोन था। इस जोन से ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल निकल गया है, मतलब ये नेक्स्ट लेवल जो है R2 लेवल, इसमें तो कंफर्म जाना है। तो ये लेवल है 20,945 का लेवल। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम, मान लो हमारा यहाँ पे एंट्री होता, तो यहाँ तक का टारगेट हम बिल्कुल रख सकते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ट्रेंड आपका क्या है। तो ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे तो अप है, यहाँ पे एसेंडिंग CPR का भी फॉर्मेशन है, एसेंडिंग CPR भी एक तरीके से कंफर्म कर रहा है कि ऊपर की ओर जाएगा। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेरो CPR है, नेरो CPR के बाद नेक्स्ट वीक भी ये वाइडर CPR है, बट ये एसेंडिंग CPR है, और प्राइस 200 EMA के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, और CPR के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव क्षेत्र में ही है। तो अगर इसमें ब्रेकआउट लेवल देखें, तो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है R1 प्रीवियस वीक हाई, ये हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल रहेगा। जैसी प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, ये ब्रेकआउट आ जाएगा, और यहाँ पे R2 लेवल से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिया है, मतलब हमारा R3 लेवल भी आ सकता है, तो ये हमारा टारगेट लेवल रहेगा। तो ये 20,936 का लेवल दिखा रहा है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जब ब्रेकआउट हो गया हो, तो ब्रेकआउट में नेक्स्ट जो हमारा कन्फर्म टारगेट रहता है वो R2 का रहता है। R2 के ऊपर जो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हो जाए, तो R3 लेवल हो सकता है, और R3 के ऊपर भी अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगा तो R4 लेवल होगा। जनरली R4 लेवल के ऊपर टिकता नहीं है, वहाँ से गिरावट आ सकता है। तो इस तरीके से आपको आवरली टाइम फ्रेम पे भी दिख गया, तो इसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अब आते हैं हम इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए हमको 5 मिनट का कैंडल यूज़ करना है। तो इंट्राडे के लिए जब हम 5 मिनट का कैंडल यूज़ करेंगे, तो इंट्राडे में भी हमको यही तीन चीज़ देखना है कि प्राइस 200 EMA के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, प्राइस CPR के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, प्राइस 20 EMA के ऊपर है, तो पॉजिटिव है। तो जब तक ये तीनों कंडीशन मीट कर रहा है, ट्रेंड अप है, और अगर इसको हम एक जोन बना देते हैं कि रेजिस्टेंस जोन, तो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए ये था R1 प्रीवियस डे हाई। तो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जैसे निकला, हमारा नेक्स्ट टारगेट R2 लेवल रहने वाला है। R2 में हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको अगर लंबा ट्रेंड के साथ चलना है, तो सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होता है, तो उसमें जैसे डेली कैंडल स्टिक है, तो डेली कैंडल स्टिक से ही हम स्टार्ट करते हैं। जब 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन को क्रॉस करता है,
और यहाँ पे अगर हमको ट्रेंड रिवर्सल CPR दिख जाता है तो ये हमारे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है। तो जैसे 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन को क्रॉस करता है और प्राइस CPR के ऊपर रहता है तो ये हमारे लिए बेस्ट एंट्री होता है, और इसके बेसिस पे एंट्री करेंगे तो हमारा जो पोजीशन है हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, तो 5 महीने तक कंटिन्यू अप ट्रेंड रहा। तो जब 20 EMA का लाइन 200 EMA को क्रॉस कर देता है तो उस समय आपको समझ जाना है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। अब शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए बोलेंगे तो मीडियम टर्म के लिए इसको हम आवरली कैंडल के हिसाब से देखेंगे। तो आवरली कैंडल के हिसाब से भी अगर अभी देखेंगे तो जो 20 EMA का लाइन है जैसी 200 EMA की लाइन को क्रॉस किया है तो ये बता रहा है कि आवरली बेसिस पे या वीकली CPR के बेसिस पे ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइस 200 EMA के ऊपर हो गया, प्राइस 20 EMA के ऊपर हो गया, प्राइस CPR के ऊपर हो गया, मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। तो जब सारा चीज़ पॉजिटिव है और आवरली कैंडल है मतलब यहाँ से भी हमको बड़ा टारगेट मिलेगा। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कंटिन्यू ये अप ट्रेंड में है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कब आपको बड़े ट्रेड लेना है। तो जैसे आवरली कैंडल भी है तो आवरली कैंडल के हिसाब से जैसी है हमारे सारे कंडीशन मीट होते हैं तो आप लेवल देख सकते हो कि 19,473 का लेवल है और अभी भी ट्रेंड अपवर्ड है, जब 20,850 हो गया है मतलब करीब 1500-1600 पॉइंट का अपमूव है, स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड है और ट्रेंड अपवर्ड है। तो हम देखेंगे तो वीकली बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेंड है, मंथली बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेंड है, ईयरली बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेंड है। तो अब यहाँ से तो हमको क्लियर हो गया कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब अगर मान लो हम इंट्राडे की पोजीशन की बात करते हैं तो 5 मिनट का कैंडल देखते हैं हम। 5 मिनट के कैंडल में भी हमको कब मिल गया था कि ट्रेंड अपवर्ड है, तो जैसे ही ये 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन के ऊपर क्रॉस किया है तो ये पहला सिग्नल दिया है कि यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस 200 EMA के ऊपर है, प्राइस CPR के ऊपर है और जो यहाँ पे फॉर्मेशन है CPR का वो ट्रेंड रिवर्सल CPR का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी अगर हम स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनाते या इंट्राडे पोजीशन बनाते तो बाइंग ऑन डिप से ही रहेगा। तो जब तक ये तीनों कंडीशन मीट कर रहा है तो आप देख सकते हो 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन को क्रॉस किया है तो कितना बड़ा मूव मिल गया है। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग है 19,800 के लेवल पे है और अभी भी 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे 20,800 है, मतलब यहाँ से भी 1000 पॉइंट ऊपर मूव हो गया है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनली कंडीशन क्या होना चाहिए कि प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, प्राइस 20 EMA के ऊपर है तो वो अप ट्रेंड को कंफर्म कर देता है। ध्यान ये रखना है कि 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन के ऊपर हो तभी हम इसको अप ट्रेंड मानेंगे। दूसरा प्राइस जो है CPR के ऊपर होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन आप मीट कर रहा है तो वो ट्रेंड कंफर्म कर देता है। तो इसके बेसिस पे हम स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन भी बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनाते तो ये 19,800 का लेवल है और अभी भी हम होल्ड कर सकते थे पोजीशन को क्योंकि 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन के ऊपर है और कंटिन्यू एसेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके विपरीत अगर हमको डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो डाउन ट्रेंड में हमको क्या देखना है कि जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया है तो डाउन ट्रेंड में हमको देखना है कि प्राइस 200 EMA के नीचे होना चाहिए, प्राइस CPR के नीचे होना चाहिए और 20 EMA का लाइन 200 EMA के लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करना चाहिए। तो इस तरीके का कंडीशन जो बनता है वो डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर देता है। और अगर हम इसको ट्रेंड रिवर्सल CPR से भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसेंडिंग CPR के बाद नेक्स्ट डिसेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ से ट्रेंड कंफर्म कर दिया है कि डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है तो हमको कोई भी पोजीशन रखना है तो डाउन साइड का पोजीशन रखना है, शॉर्ट पोजीशन रखना है या पुट साइड का पोजीशन रखना है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि अप ट्रेंड के लिए हम पोजीशन कैसे बना सकते हैं या इंट्राडे में हम ट्रेडिंग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारे ट्रेड के निर्णय ले सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको फ्री में हमारा कोर्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, तो इससे आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आपको हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसको आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।